9:35 हो चुकी है। हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। स्टार्टिंग में आपने देखा सुबह सुबह 7 बजे मैं, सारिका और कनिष गए थे हॉस्पिटल। उसको चढ़ा दिया गया है बाटला, ऐसा बाटला उसको कुछ दिन तक चढ़ाने का है। अभी भी 100% तो नहीं हुआ है, बट होगा ऐसा हमको एहसास है, ऐसा हमको विश्वास है। और मैं इधर एक दिन के लिए आया हूँ स्पेशली ये देखने के लिए कि कैसा है क्या नहीं है। आज उसको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस से निकल जाऊँ। मेरा जो फरवरी महीना है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और बहुत हैवी मात्रा में वेडिंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो जयपुर, उदयपुर, गोवा ऐसे इधर इधर है डोमेस्टिक में, तो पता ना पड़ेगा तो पता डालते हैं। सबसे पहले पापा का सुविचार ले लेते हैं एज यूजुअल। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। आज का सुविचार बता दो। आज का सुविचार है 3 चीजें हमेशा छिप नहीं सकती। नहीं छिप सकती? सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा और सत्य, सत्य वचन। नहीं छुपेगी। हाँ, 3 चीजें हमेशा के लिए नहीं छुपती, हमेशा के लिए नहीं छुपेगी, कभी कभी छुपेगी बट बाद में निकलेगी तो बॉम्ब फूटेगा। तो आई मीन सत्य तो छुपाने का ही नहीं, जो सत्य है वो बोल देने का और जो है वो एंजॉय करने का। ठीक, वेरी गुड। क्या रहा आपका वाड़ी का? वाड़ी का कंप्लीट है। कंप्लीट है, एक मोटर जल गई है। मोटर बहुत जलती है यार वाड़ी पे। क्या पानी जाता है तो भी चालू कर, नहीं होता है फिर भी चालू रखता है क्या वो? नहीं वैसा नहीं, मीटर जल गया ना। हाँ। उसकी वजह से छेड़ा देने में इधर उधर उल्टा सुल्टा हो गया। अच्छा। और गाइस बताना चाहता हूँ कि सूरत में अभी भी ठंडी का माहौल विंटर जैसा वापिस स्टार्ट हो गया है। अभी आज सुबह में निकला ना तो मेरे को ठंडी हवा का या चौका मिला, मेरे को ऐसा लगा कि ठंडी तो है। पर गोवा में गया था ना, वहाँ बहुत गर्मी थी। गोवा का व्लॉग जल्दी डालूंगा। बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में गया था, पहली बार ऐसी प्रॉपर्टी में गोवा में मैं रुका, मज़ा आया। आपको नई जानकारी मिलेगी वो दूसरे चैनल पे, आज ही रख दूंगा हो सके उतना, मेरे को ऐसा टाइम मिलेगा तो एडिट कर डालूंगा। अभी सारिका दोनों बच्चों के साथ चाका जाम मचाते हुए, कनिष के साथ साथ हेजू को भी पेट में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। तो सारिका जी, हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया ही है। तो कनिष के बाद अभी हेजू का टर्न आने वाला है क्या? पता नहीं, अभी कनिष 100% हो जाए बाद में देखते हैं। अभी ने क्या करे क्या ना करे, हेजू को दर्द है वजह से। अभी सब छोटे बच्चों के पेट में दर्द है ही, जो स्कूल में आ रहे हैं और हमारे रिलेटिव्स में है जो भी, सभी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के पेट में भी दर्द हो रहा है। तो भी थोड़ा वायरस चल ही रहा है, तो वायरस के साथ साथ इसका भी निकाल कर देते हैं। हेजू आज तो तुम्हें हॉलीडे है बहुत बढ़िया मात्रा में, तो क्या जाने का है क्या डॉक्टर के पास? क्यों क्यों? आज मेरे को ट्रैम्पोलिन में जाना है। तेरे को ट्रैम्पोलिन में जाना है? हमने हमारे पास ऐसा तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है क्योंकि कनिष की खातिर देखो 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 है, इसको अच्छा हुआ नहीं है अभी भी और मारा मारी। हाँ ये देखो, हाँ हाथ तो ऊपर ही जाता है ये। हाँ वाली केम, भाई बहन का प्रेम भी इतना निकल के आता है ना। एनीवे केजीएफ जी बोलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया काम किया मेरी यहाँ पे गैर हाजिरी में। आप बच्चों को लेके गए और सब हॉस्पिटल का काम निपटाया, बेस्ट ब्रदर। फर्ज है। ऐसे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कि हार्दिक भाई अच्छा काम करते हैं, ये है वो है। तो यार ऐसा थोड़ा ऐसा आप भी थोड़ा ऐसा है ना हमारे साथ साथ थोड़ा वो कीजिए कि हम नहीं बोल रहे नहीं जो भी है। गाइज कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेज आई है। बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज किए हैं, वाया मेरे दोस्तों थ्रू मैसेज करवाए हैं, फेसबुक में भी कमेंट आए हैं कि भाई कनिष का ये रिपोर्ट करो वो रिपोर्ट। मेरे को 100% मैं एलर्जी का रिपोर्ट तो करवाऊंगा ही, उसका तो मैंने बोल दिया है डॉक्टर को। अभी जो भी रिपोर्ट करवाने का है मैं आपको अपडेट दूंगा। तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है वो कुछ डॉक्टर। और हाँ, कुछ महिलाओं ने ऐसे भी बोला है कि हीलिंग पावर कुछ करके आता है, वो आप ट्राई कीजिए, आपके घर में हीलिंग सबको फटाफट हो जाएगा। जब भी कुछ भी हो ना फटाफट से डॉक्टर के पास जाके इलाज ले लेना, यही एक सॉल्यूशन है। वो क्यों है मुझे पता, क्यों है वो पता है? देखो गाइस आज सुबह जब कनिष को लेके हम घर पे आ रहे थे तो सारिका ने उसकी मम्मी को याद किया, वो लेट हो गए थे जब ले जाने का था तब। तो अभी इसने ऐसा डिसीजन ले लिया है कि बच्चों को कभी भी कुछ भी होता है ना तुरंत डॉक्टर के पास भाग लेने का, 5 मिनट भी लेट नहीं करने का। तो वो याद आ गया उसको। हाँ तू डर रही थी। हाँ मुझे वैसे क्या, अभी वो खेलता था तो हमें लगता था नहीं है, लेकिन कुछ होने के बाद ही सीखते हैं। हाँ तो सीखा हमने यही कि नहीं कुछ भी हो पहले डॉक्टर को बता देना, बाद में किसी की सुनना।
क्या है हमारे फैमिली में और सब लोगों में कुछ ऐसा होता है कि सब लोग ऐसे सलाह करते हैं, सजेशन करते हैं कि ये करो वो करो, घर का नुस्खा अपनाओ, वो सब करने से पहले डायरेक्ट डॉक्टर के पास होगा, मम्मी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नई ग्रीन साड़ी बहुत मस्त लगे छे, पहला से ने बधा नुस्खा करता ने ते हारो थई जातो, हवे दवा वगर कोई वस्तु हारी थाती नथी एवू छे, एक्जेक्टली, दवा ने दुआ बे जोई छे, दवा और दुआ दोनों चाहिए, क्या बात है, बहुत फाइन बहुत फाइन, तो झारू थाय से माणस बहुत फाइन। तो ये है आज का सुबह का हमारा चाका जाम सा रूटीन, लाइक मार दो है। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काना जी शू खुश है, काना जी देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के पहले काना जी का दर्शन, गुड मॉर्निंग जी श्री कृष्ण। और माता जी भी देखो, माता जी मस्त आशीर्वाद देते हुए, या तो। चाका जाम, ठीक है गाइस। तो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, कुछ दिन तक, 3 या 4 दिन, हो सके तो 1 वीक तक वीडियो आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आया तो कल नहीं आएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, उसके 1 दिन ब्रेक हो सकता है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा ऐसे सारी कार्ड व्लॉग करेगी कुछ दिन के लिए, मतलब लेट्स से 5 दिन के लिए, उसके बाद अपना नॉन स्टॉप मचाएंगे, ठीक है। तो कनिष्क को और हेजू को जब तक परफेक्टली फाइन नहीं हो जाता तब तक ऐसा थोड़ा अगड़म बगड़म चलेगा। तो आप लोग, वैसे आप लोगों ने भी कमेंट किए बहुत सारे कि व्लॉग नहीं आएगा तो चल जाएगा, बच्चों को परफेक्ट कर दो बाद में मचाना, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिया है उसके लिए, लव यू, थैंक यू। ऐसा तो मैं भी बोलती थी, हाँ कभी कभी वीडियो ना बना अटकाय ने पण छोकरा ने हाजा करो यार, या या हां तो ये अभी हो गया, ध्यान रखता बधाय, बधा ध्यान राखे, हूं तार पापा हार्दिक, कोई पण होय ने कनिष्ठ ने रेडो क्यारे मुक्यो ज नथी, मुक्यो ज नथी, बट ये कैसे हो गया ना वो पता नहीं चला, कुछ तो ऐसा हुआ है कि भाई वो हैवी मात्रा, ऐसा हमारे पूरे खानदान में किसी को नहीं हुआ, डॉक्टर ने पूछा तुम्हारे खानदान में किसी को ऐसा होता है, तुम्हारे परिवार में सारी का किसी को कुछ नहीं होता है, तो इसको ऐसा कैसे आ गया पता नहीं, जो भी है ऑल गुड। पैकिंग वैकिंग एज यूजुअल, मेरे आज तो भाई 6 दिन का सामान जा रहा है, इतना ज़्यादा टाइम मेरे को कभी नहीं लगा आज पहली बार, क्योंकि सारिका बिजी है, तो मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ सब कुछ, मेरे को पता है मैं कहाँ कौन सी चीज़ रख रहा हूँ, तो मेरे को ढूंढने की नौबत नहीं आएगी। एनीवे यहाँ देखिए पार्टी हो रही है, बहुत बढ़िया जगह चूज कर ली है, बालकनी पे बैठ के माँ और बेटा टाइम पास कर रहे हैं। बोड़ी बोड़ी खातू सारिका जी, हाँ जी बताइए, और जिंदगी में क्या चल रहा है? बस जिंदगी में ये पीपी चल रही है, क्यों नकलो पीपी कला कलेजे, उसका काम ही वही है केम। इतना चलिए, तो फाइनली मम्मी को थोड़ा आराम मिला है, पापा और हार्दिक गए हैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि पापा का अपडेट ये है कि पापा को जो दर्द हो रहा था वो थोड़ा अच्छा हुआ है, बट वहाँ पे टाइम टू टाइम, हाँ कम हुआ है, पर टाइम टू टाइम दिखाना तो पड़ता ही है, ठीक है गाइस। तो मम्मी बता जान की तो 10 तारीख है, हाँ तो अभी गए है, थोड़ा अच्छा हुआ है, तो और यहाँ पे देखिए बेटी और कनिष्क, हेजू तेरा बिहेवियर अच्छा कब होगा बेटा, व्हेन इज योर बिहेवियर? मम्मी अच्छा कराएगी तब। अच्छा तो तू अपने आप नहीं कर पाएगी, ये देख तेरा भाई भी हंस रहा है तेरे पे, नहीं वो भी वो भी वो भी वो भी कैसा है, मार रहा है तेरे को, मार रहा है, क्यों मार रहा है, वो भी खोटा नहीं है, वो खोटा ही है। Anyway, तो येजु, हाँ अभी सैटरडे संडे है तो आपको क्या करना है? मेरे को मन है ट्रैम्पोलिन में जाने के लिए। ट्रैम्पोलिन में? तो बेटा मैं तुझे जब तेरा हॉलीडे होगा ना तब लेके जाऊंगा, अभी तो हॉलीडे हुए, कल पर मैं काम पे जा रहा हूँ ना बेटा, नहीं तो आज ले जा उठ के बेटा, मैं जाऊंगा, मैं फ्लाइट में जाऊंगा, मेरे को काम ऐसा, है ऐसा नहीं कल नहीं, हाँ तो क्या कर रहा है आज है ना, आज हम सो जाते है ना, हाँ उठ के जाते हैं ट्रैम्पोलिन, उठ जग के जाना, जग के तो बेटा फिर मेरे को जाना है ना फ्लाइट में, मैं काम पे जा रहा हूँ, ऑर्डर पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कल नहीं, मैं अभी ही बोल रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में। गर्मा गर्म फुल्का रोटली और सब्जी, जिंदगी का सही शौक बताओ ना सारे का, तो वही है, यही है, जब भी मैं बाहर खाने बैठता हूँ ना मेरे को बहुत अफसोस, मेरे को ऐसा दिल से ऐसा होता है, मेरी लाइफ का मैं इतना ज्यादा पार्ट, मतलब टाइम ऐसा बिताता हूँ कि मैं बाहर ही खाता रहता हूँ, जब घर पे आता हूँ ना तो सब भूखा काट डालता हूँ। एनीवे फ्रेश ये टमेटी कहाँ से आई है? वाड़ी से, पापा गए थे ना परसों गए थे। अच्छा वाड़ी से आए हैं, ये जो के सबसे फेवरेट है ये वाड़ी के टमेटे, रील में डाला था, अभी टमेटे की सीजन है। अच्छा ऐसा है, तो मैं जब आऊंगा ना ऑर्डर से तब हम लोग वाड़ी पे जाएंगे,
वाड़ी पे जाके क्या करेंगे, टमाटी तोड़ेंगे, बचाएंगे टमाटी के भजिया, भजिया बनाएंगे, टमाटे भजिया, लस्कर भजिया। तो जी दोपहर के बज चुके हैं एक, और बहुत बढ़िया मात्रा में पैकिंग वैकिंग कंप्लीट करके यहाँ पे मेरा थोड़ा एडिटिंग का काम फिनिश करके अभी मेरे को थोड़ा फ्लाइट 4 बजे का है, 4:20 का, तो फटाफट भागना पड़ेगा एडिट करके, जितना बाकी है उतना। पापा, हाँ जी, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने 1 महीने और बताया। तो क्या, तो किसको कौन बताए, किसको कैसे समझाए, किसको बोले कि इनको ना बोला है वाड़ी पे मत जाओ, गाड़ी में मत बैठो, काम मत करो? वो तो छुट्टी दे दिया, हाँ, ट्रैवलिंग के लिए छुट्टी दे दिया, दे दिया। हाँ, लेकिन झुकना नहीं, झुकना नहीं, हाँ, ऐसा ऐसा झुकना नहीं है, और झुकना तो पड़ेगा, झुकेगा नहीं, झुकेगा तो सही, हम ना बोलेंगे फिर भी झुकेगा, झुकेगा नहीं और झुकेगा, पापा झुकेगा। और यहाँ पे हेजू ने फाइनली 1 महीने के बाद अपने बाल धोए हैं। हेजू क्या बताना चाहते हो? महीनों नहीं हुए हेजू, कुछ नहीं। तुम्हारा बाल क्यों अब तुमने धोया फाइनली है? सब लोग तुम्हारे बाल के पीछे पड़े थे इसलिए। हेजू का कैसा है, उसके बाल में से जब तक ऐसे बहुत हैवी मात्रा में परफ्यूम की स्मेल ना रहे तब तक वो धोने का नाम नहीं लेती है, और जब धोती है तब ऐसा धोती है 1 महीने तक नहीं। तो क्या बताना, महीनों और ये देखिए इसको है, उसको पता है उसके हाथ में ये लगा है, फिर भी ये देखो हाथ तो इधर उधर इधर उधर, क्या करना है इसका यार, क्या बताऊं। बीच में खड़े भी नहीं रहने का, वो टीवी का भी उसको कंफ्यूज वो होता है, डिस्टर्बेंस आता है। एनीवे मम्मी, क्या सब्जी बनाया है आज? बटेटन सब्जी, खीर, बटेकन सब्जी, रोटी और पूरी। पूरी ना पड़ी चाहिए, पूरी ना पड़ी, हार्दिक डायो थे क्या एक एक, मैं कहती पूरी करवे से। ओ माय गॉड, घर में सब लोग सुधरने लग गए हैं भाई, 2-3 लोग बीमार पड़ गए ना, मैं पूरा घर चलते चलते किचन में ही आ जाता हूँ, मैं मेरा दिल है इधर, ये देखो बड़ा दिल। तो आज क्या डे है पता है तुझे? फेब्रुवरी का भूल गई सब डे। वैसे मैं भी भूल ही गया हूँ, हमको याद मम्मी के छोकरा डे थे, ऐसे ही हो रहा है यार, कुछ पता नहीं रोज डे कब है, चॉकलेट डे, हग डे, टेडी डे, कुछ डे नहीं, छोकरा डे चल रहा है। બીજી થઈ ગયા હોય એમ યાદ ન હોય હું છે હું, મને તો હું વાર છે ને કઈ તિથિ છે કઈ યાદ નથી ખબર પડતી। ઓ માય ગોડ મમ્મી ક્યા બાત હે, બીજી હોય એને કઈ વાર થતી ને યાદ નથી રહેતું, નવરા હોય ને બધા ડે યાદ રહે। બરાબર છે। તો ગાઈસ જો લોગ બહોત ડે યુઝ કરતે હે ના, આઈ મીન ઇસ્તેમાલ કર રહે હે ના, તો મમ્મી કા બહોત બડા સા વો આ ગયા હે, બોમ્બ ફૂટ ગયા હે, બહોત। આપણે બદલી લેને કેજો ઉજવી લે, હા અમાર બદલીને તમે ઉજવી લેજો, ટાઈમ હોય ને તમારે પાસે તો અમાર બદલી પૈસા ભી હે ઓર ઇન્ટરેસ્ટ की भी चीज है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है, हाँ, तो वो करते है, हाँ, तो हमें वैसे भी कम इंटरेस्ट है और टाइम भी नहीं है, हमारा पोता दे चल रहा है, छोकरा दे चल रहा है, दवा दे चल रहा है, दोनों सेम ही है, हाँ, इसीलिए हमने सेलिब्रेट करे, वरना जिसमें इंटरेस्ट होता है ना तो किसी भी बात में बिजी होते तो भी करते है, कैसे ब्लॉगिंग हम बिजी होते तो भी करते है, वैसा है। ठीक है, जयपुर उदयपुर 2 सिटी है, गोवा तो मैं जाके आया, उसके बाद अभी कुछ है नहीं, होपफुली कुछ ना आए तो मैं घर पे रह पाऊँ बच्चों के साथ और बचा पाऊँ। बट ना क्यों आया है ना, काम धंधा तो करना, हाँ वो तो एक दिन तो मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था तो आना पड़ेगा मम्मी, हाँ? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान वान रखने का, चाका जाम कुछ जरूर पड़े अर्जेंट हो तो मेरे को बोल देने का, आ जाएगा, सब फैमिली साथ में है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ यस यस, सब देख रेख रखते हैं, देख रेख रखते हैं, हाँ, एटले તું ન હોય તો તાર કઈ વાંધો નથી, અહીંયા ઓકે, ધંધે કામ ધંધે કરવો પડે ને, કરવો પડે, ઘરે બેઠે બેઠે કઈ આવવાનું નથી, યુ આર રાઈટ એબ્સોલ્યુટલી, મેં એસા સોચતા હું અગર હમારે સાથે એસા હુઆ હૈ, એસા દેખ મેં મેં એક થોટ આયા, જો જોબ કર રહે હોંગે, જિસકે બચ્ચે હોંગે, જો લોગ વિધાઉટ જોઈન્ટ ફેમિલી રહેતે હોંગે, વો લોગ કેસે મેનેજ કર રહે હોંગે યે સબ, અગર એસા કુછ હુઆ તો, વૈસે ક્યા હૈ કે હમ જોઈન્ટ ફેમિલી મેં રહેતે હૈ તો ઇસ વજહ સે હમ હમારી હેબિટ સી હો ગઈ હૈ કે देखो कुछ भी काम हो तो हम एक दूसरे की डिपेंडेंट हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में, और दो लोग जो रहते हैं ना उसको पता ही है जो भी सिचुएशन आएगी खुद ही हैंडल करनी है, तो मेंटली वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और जो भी करना है वो कर लेंगे। अच्छा, सिचुएशन जब भी सर पे आती है ना तब हो जाता है, नहीं बट बत्ती जल जाती है, बत्ती तो जल्दी, पर जो लड़का डिफिकल्ट, जो अगर कोई लड़का जॉब कर रहा है तो उसका तो दिमाग में मतलब जॉब करते करते घर का ख्याल ही आता रहता होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है क्योंकि मैं जॉब नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूँ। वैसे क्या है, जॉब करने से मेरी मम्मी बोलती थी, तब आप बिजनेस करते थे चिराग जॉब करते है ना वहाँ पे जयपुर, तो मेरी मम्मी बोल चिराग मैं क्यों हारू, जॉब करी घरे आवे ना
કંપની જે થાવું હોય થાય, ઘરે શાંતિથી ઊંઘ તો આવે. અને બિઝનેસ વાળો કો દિન રાત સભી ટેન્શન રહેતા તો સબકા અલગ અલગ સોચ હોતા હૈ. કોઈ લોકો જોબ ભી પસંદ હોતા હૈ, આપ જૈસે લોકો કો જોબ તો બિલકુલ નહીં પસંદ આતા, સિર્ફ બિઝનેસ પસંદ આતા હૈ. मेरे हिसाब से हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो जॉब होता है ना वो ऐसा होता है, आप लोग बंधन में बंध जाते हो, सुबह से शाम एक ही चीज़ हर रोज करने का, और उसमें फिर सैटरडे संडे रजा रहने का. मैं थोड़ा ऐसा, मेरे हिसाब, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, मेरे को ऐसे एक जगह पे बैठने का, आई एम लाइक यू नो, मेरे को एक्सप्लोर करना ही है. सेफ जोन में रहना चाहते हैं उसके लिए जॉब अच्छा है ना, लाइफ टाइम के लिए सेट है, कुछ रिस्क नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट का ये सब, वो उसके लिए जॉब अच्छा है. अच्छा है सब तरह के लोग, इसीलिए जॉब किसी को ना किसी तो करनी ही पड़ेगी. सब आपके लिए सोचेंगे तो जॉब कौन करेगा. यू आर राइट एक्चुअली. ठीक है, इसी के साथ अब ये बहुत ज़्यादा बात है, डिबेट हो जाएगा अगर चलूँ करेगा तो. आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है, हम कर रहे अच्छा है, जो भी ऐसा अच्छा ही है वैसे, बट आपके हिसाब से हम पर्सनल आपका व्यू देखेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में सारी का थोड़ा मचाएगी अपने हिसाब से. नमस्ते, थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर डालो. वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.